हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मेरा कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा ऐसा स्नैक्स बनाया जाए कि जो जल्दी जल्दी बन जाए और घर की चीज़ों से बन जाए, जिसे बाहर लेने जाने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। घर पे पड़ा है बहुत सारा पोहा। मेरे घर पे हमेशा ज़्यादा सही पड़ा होता है क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने में कुछ ऑप्शन नहीं होगा तो बोलेंगे सोनी जल्दी जाओ, ये करके लाओ, फटाक से हमें खाना है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ उसको बनाने में क्या क्या लगेगा। एक तरीके का नमकीन ही है। तो सबसे पहले जो इसमें लगेगा वो है पोहा। आप कौन सा भी ले सकते हैं पोहा। मैं तो सब पैकेट की चीज़ें लाती हूँ, मुझे दुकान से लाना होता है। अगर आपको घर का पोहा मिल जाता है, जैसे गांव से कोई लोग आते रहते तो ले मंगवा लो, तो वो उसमें तो और अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरा जो सामान लगेगा, आप जितना मर मसाला हो, हमारे में कहते ना गाँव में मर मसाला, जितना हो वो मिक्स कर दो, जितना आपके पास मेवा हो वो मिक्स कर दो। मेरे घर पे फिलहाल जो चीज़ें थी मैंने वही मिक्स की है, मतलब करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कटी हुई हरी मिर्च ले ली, जैसा आपको तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग। करी पत्ता है, ये है किशमिश, ये है कुटा हुआ क्या बोलते हैं धनिया, ये है सौंफ। इनका जो टेस्ट आता है ना उसमें वाह कितना मजा आ जाता है, क्या बताऊं मैं आपको। और ये है हल्दी। और हम लोग थोड़ा सा डालेंगे मखाना और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे ये चने की भुनी हुई है जो दाल। ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल है, इसको फुटाना बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। नारियल की चटनी में उसी का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ इंडियन जब इडली आप बनाते हैं तो नहीं होता है तो मूंगफली कर लेते हैं, लेकिन बहुत प्यारा लगता है खाने में, मतलब अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनता है। आपके पास सूखा हुआ नारियल हो ना, उसको भी कट करके डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो। और ये आगे मेरे नटखट से बच्चे, जल्दी चले जाओ नहीं तो मिलेगा बहुत देर बाद। तो सबसे पहले हम लोग है ना कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे तेल। सबसे पहले हम लोग उसमें डालेंगे ये मिर्ची। जब ये कढ़ाई के अंदर मिर्ची चटकने लगेगी तब उसमें हम लोग डाल देंगे ये चना का जो दाल है भुना हुआ वो। ज़्यादा लाल नहीं करना है मिर्ची को, क्योंकि हम जैसे जैसे चीज़ें डालते रहेंगे ना उसमें ये ऑटोमेटिकली भुनती चली जाएगी। शुरू में ही आप इसको ज़्यादा लाल कर दोगे तो बाद में ये जल जाएगी। अब इसी में हमको डाल देना है ये मखाना। जब मखाना भी थोड़ा सा श्रिंक होता हुआ दिखाई दे तो उसी में डाल देना है हमको ये किशमिश, ये धनिया क्रश किया हुआ, ये सौंफ और ये कड़ी पत्ता। मैंने बोला ना आप इसके अंदर काजू बादाम और भी चीज़ें मिला सकते हैं। ये मैंने बोला नहीं छोटी सी भूख का इलाज है जो कि आपको लग जाती है अचानक, तो घर पे जो चीज़ें अवेलेबल हो उससे इसको बना लेना है, बाहर का कुछ खाने से अच्छा। देखिए अच्छे से भुन गई है। तब इसमें हम लोग मिला देंगे हल्दी। बहुत कम तेल का हमने इस्तेमाल किया है, ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हो, मुझे मूंगफली नहीं डालना था। अब इसमें हम लोग पोहा मिला लेंगे। और इसको चलाना शुरू कर देंगे। इसको चलाने में बनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम लोग इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसको है ना भून रहे हैं। भूनते भूनते ही इसमें अच्छा खासा पीलापन आ जाएगा। आप चाहिए तो इसके अंदर स्वाद थोड़ा चटपटा करने के लिए इसके अंदर आप है ना थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चीनी पिसा हुआ और थोड़ा सा टार्ट्रिक भी डाल सकते हैं, जो सेट्रिक होता है ना पाउडर खट्टा वाला, वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, मुझे इसी फॉर्म में रखना है। अब स्वाद अनुसार हम इसके अंदर नमक डाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा ये दिखने लगा है। अब इसको चलाते चलाते ही इतनी हालत खराब हो गई है। एक तो गर्मी है और उमस है ना, मतलब बारिश भी हो रही है, उमस भी है, लेकिन कुछ खाना है चटपटा अटपटा तो करना तो पड़ेगा ही। कितने अच्छे से सारी चीज़ें मिल गई है। सिर्फ मतलब 2 छोटा चम्मच है ना वही तेल डाला था, उसमें ये इतना अच्छा खासा बन के हो गया। और अगर इसके ही मैं 5 पार्ट कर दूँ ना तो 50 रुपए की नमकीन बार मिलेगी, वो भी कोई खाने के बाद कोई वो वैसा खास उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा। तो चलो ये बन गया है। अब मैं ना इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ और अपने बच्चों को भी दे देती हूँ। सब लोग सिर पे तांडव कर रहे हैं। ऐसे तो ये ठंडा हो जाए तब खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, गरम गरम में ना मुंह जलने के चांसेस होते हैं। लेकिन देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी मज़ा आएगा। मैंने चीनी इसलिए नहीं डाली ना, किशमिश डाली है ना तो उससे मीठापन हल्का सा आ ही जाएगा जब ये मुंह में चबाएंगे तो। और खट्टा मुझे इतना पसंद नहीं है मुझे और मेरे बच्चे को ही खाना है। हस्बैंड अभी ऑफिस में है, कोई टेंशन नहीं। आ गया कंची कंची आवाज, मजा आ गया। कभी कभी तो लगता है सारी सिलाई विलाई छोड़ के ना ये खाना खजाना वाला काम शुरू कर दूं। बहुत मजेदार। सच में टेस्टी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इस नमकीन को शाम को जरूर ट्राई करें किसी दिन। तब तक के लिए बाय बाय।